अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आ गए हम ईद के बाद एक दूसरा गेम प्ले लेके आपके लिए। मेरा प्रोग्राम था ईद पे लेके आने का, लेकिन बन ही नहीं रहा था और मैं था भी नहीं अपने घर पे, मैं थोड़ा काया हुआ था रिश्तेदारों के, जैसे कि सबको पता है जाते हैं सब। ठीक है, हम जा रहे थे मिलिट्री बेस, और ये गेम प्ले ना आप मतलब मैं 30, 40, 50, 60 बार मरा हूँ मैं, उसके बाद जाके ये बना है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, वो देखिएगा जरूर। ठीक है, तो हम जा रहे थे मिलिट्री बेस हम जा रहे थे ऑफिस, कोई इसको ऑफिस कहता है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट कहता है, मैं एक ऑफिस ही कहता हूँ क्योंकि एक सेंस बनती। देखो ये ऑफिस आ गया जहाँ मतलब बंदे बैठ के काम करते हैं, पीछे इनका सामान रखा हुआ है और वो यहाँ पर डिलीवरी ट्रक का जो जगह होती है वो यहाँ। ठीक है, यहाँ की सबसे अच्छी जगह बात ये है कि अगर आप यहाँ पर आओगे ना, मतलब सोलो खेलते वगैरह आप यहाँ आओगे, तो आपको AR गन ज़रूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। AR गन आपके पास होगी ही होगी। तो हम जब यहाँ पे थे तो मुझे ये साउंड नहीं आया कोई पैराशूट से उतरा, लेकिन ये साउंड ज़रूर आया कि एक बॉट स्पॉन हुआ यहाँ पे, और फिर हमने इस बॉट को मारा। पहला किल ही बॉट से लिया हमने, बहुत अच्छा, बहुत सही। अभी आगे ना आपको मैं इंस्टेंट कर्मा दिखाऊंगा, जो कंटेंट देख के आप यहाँ आए हो ना वही होगा इंस्टेंट कर्मा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब हम बस सिर्फ यहाँ पे लूट लूट कर रहे थे और बंदे बंदे में ताड़ बड़ा था, ये कोई बंदा बंदा मिल जाए और यहाँ पे खड़े होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सी बिल्डिंग। हाँ, यहाँ पे अगर आप खड़े हो ना तो सी बिल्डिंग का आपको व्यू अच्छा सा मिल जाता है और बंदा भी मतलब आप आराम से स्पॉट कर सकते हो। तो पीछे फैक्ट्री में लड़ाई हो रही थी, फाइट फाइट हो रही थी, तो बंदा मैं यहाँ पे देख रहा था, बंदा यहाँ खड़ा है लेकिन उसकी फाइट हुई है, वो मरी अभी। उसके बाद जो बंदा आता मैं उसको मारता, तो ये हो गया इंस्टेंट कर्मा। मतलब दो बंदों की लड़ाई देखो, उन दोनों से जब कोई मर जाए, जिसको कम अक्सर कहा जाता है कि कोल्ड वॉर हो रही है, नहीं खैर कोल्ड वॉर तो ये नहीं होती, कोल्ड वॉर नहीं होती, सॉरी सर। बहरहाल हमने लिए बंदे मारे वाले, और फिर हमने पूरी सी बिल्डिंग को छाना माना कि क्या सीन है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। और अब यहाँ पे जो बंदा है ना, इसकी पिंग आप देखिए और बताइएगा कि मतलब ये इंसाफ है या नहीं, और कमेंट करना कि इसकी पिंग कितनी होगी। मेरे ख्याल से इसकी पिंग होगी 7-8 MS, बहुत है ये। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, देखो मैं इस बॉक्स के पीछे आ चुका हूँ, मुझे जब भी आके उसके शॉट्स लग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से पंगा लेना छोड़ दिया इससे। मतलब ये ना भाई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए, इमरान खान सर, भाई, अंकल, जानी, देख लो यार, पिंग सही करा दो यहाँ की। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत अच्छे खेलने में, लेकिन बस हम पिंग की वजह से मर जाते हैं हमेशा। देन मेरे को एक अब आगे से M4 मिलेगी, और मैं मतलब थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि वो भी रोटेट करेगा, क्योंकि ना मकसद ये कि रोटेट करते हैं, रोटेट होगा ज़रूर अब। ठीक है, इतना समझ में मुझे भी खेलना आ गया, समझ में आ गया कि मतलब रोटेट होगा अब ज़रूर, और यही होता है। मैं यहाँ पे चुपचाप आके क्राउच करके ले जाता हूँ, जब जैसे ही मैं उसको अभी स्प्रे दूंगा वो फ़ौरन से पीछे हो जाएगा, मेरा स्प्रे भी थोड़ा सा मिस हुआ। जैसी अब देखना क्या करेगा ये बंदा, पता नहीं, आई थिंक ये नैदरलैंड का बंदा था, नैदरलैंड का फ्लैग लगा था इसको। ये देखो ये आया और ये गया, नहीं तो तुर्किश है, सॉरी ये तुर्किश है। तो भाई हमने इसको मारा और अब तो बस यही था। फिर मैंने बहुत पूरी एरिया की लूट वूट की, और अब मैं आ गया हूँ जो नोवो वाला ब्रिज होता है वहाँ पे। ये बंदा मेरे सामने फिर रहा था, लेकिन वही बात, यहाँ इसकी और एक और बंदे की जो उसके सामने था, उन दोनों की फाइट चल रही थी। तो मैंने बोला पंगा क्यों लेना है, जब इनमें से एक मर जाएगा ना तब अच्छा होगा। और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 50 या 60 मीटर्स था, सप्रेस्ड कार 98 थी मेरे पास। अब देखना इसका फ़ायदा क्या होगा। उस बंदे के पास M24 है, ये बंदा यहाँ पे आके पता नहीं किसको स्पॉट कर रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे मार दिया। इतना सा डिस्टेंस है, उसको कार 98 की आवाज़ ही नहीं आई बिल्कुल भी, वो गुम हो गया कि ये क्या हुआ। मैं एम करके बैठा हूँ और मुझे यहाँ लग रहा था कि उसने मुझे देख लिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझे थोड़ा सा भी नहीं देखा, बल्कि वो तो चुपचाप क्विट करके पीछे से आराम से चले गया। पता नहीं इसको क्या हुआ भाई। तो मतलब सप्रेस्ड अगर आपके पास गन है तो 50 या 60 आई थिंक शायद ये 50 या 60 मीटर ही होगा। अब ये बंदा पीछे से जाके उसके पास जा चुका है, और मैं यहाँ इसको इंतजार कर रहा हूँ कि ये अभी आगे से आएगा पीछे से आएगा।
क्योंकि मुझे लगा ये ऊपर जाएगा अब, लेकिन अब आगे भी फाइट चल रही थी। तो आई एम जस्ट के मैं मतलब बहुत सेव होके खेल रहा था, क्योंकि जब आप 60-70 बार मर जाओ ना एक बार गेम गेम प्ले में, तो फिर ये तो बनता है, इतना तो होता है। 5 किल हो चुके हैं मेरे, बहुत थोड़े से बस सही है 1 किल भी। अब मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे वो नज़र आता है कि वो बंदा तो वो वहाँ पे है जहाँ मैंने बंदा मारा है ना, वो उसी की लूट कर रहा है। कैसे दिखाता हूँ, वो लूट ऐसे कर रहा है, दिखा अब दिखे, आएगा 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 सर आएगा। ये रहा, हेड दिया, लेकिन फिर मैंने फौरन से स्टार एनोनिमस वाली टिप निकाली, एक हेड दे के फिर M4 का स्प्रे। अभी मैंने बहुत सारा क्विट कर दिया, क्योंकि अब मैं सिर्फ कैंपिंग कर रहा था, सिर्फ सेफ खेल रहा था। ये कैंपिंग नहीं थी, ये होल्ड था। फ़र्क होता है कैंपिंग और होल्ड में, वो क्या फ़र्क होता है, कैंपिंग में बंदा आप, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले इसको अपन गेम पे फिनिश करें, समझना मज़ा बड़ा आएगा। देन अभी हम 3 बंदे बचे हैं सिर्फ, इस बंदे के पास ग्रोजा और ये बहुत अच्छी चला रहा है। किल फील्ड में 8 या 10 बंदे टॉप 10 के अंदर ही सिर्फ इसी नहीं मारे हैं। अभी इसने उसको भी मार दिया, पर बस बदकिस्मती के जोन नहीं था इसके पास, और बहुत मतलब ये 1 HP बचा था बिल्कुल। और फिर जब बस एक एक गोली सर, ज़्यादा नहीं, ओनली 1 बुलेट इज इनफ फॉर यू। तो भाई आज का बस गेम प्ले मालूम है, छोटा सा था। अब हम मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताना उसकी MS कितनी आ रही थी। अब हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी की वीडियो में। तो बस अल्लाह हाफिज़।